बोलो व्हाट इंफॉर्मेशन वी विल गेट बाय फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ. एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, आई गॉट वन आंसर एंड दैट्स वर्क. दिव्या सही है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क. ये वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. याद है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स हम लोगों ने डिराइव किया था. ऑल्सो एरिया वी गॉट इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. इससे ये प्रूव हुआ था वर्क इज इक्वल टू एरिया. एरिया किसका? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया. ओके, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते तो कैसा दिखाई देगा? देखो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. इक्वेशन इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? सी, के इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट. ये कैसा है? दिस इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट. तो मीनिंग क्या हो जाएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शन में हो तो ग्राफ हमेशा लीनियर होता है. वी विल गेट अ लीनियर ग्राफ. तो ग्राफ होगा लीनियर लाइक दिस. ग्राफ ऐसा लीनियर हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है यहां पे दैट द ग्राफ यहां पे एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. माइनस एक्स के साथ ये प्रोपोर्शन में, इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ये डायरेक्शन में फ्रॉम ऐसा ना, ये वाला ग्राफ होगा. तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस माइनस एक्स. एफ और माइनस एक्स का ये वाला ग्राफ, ऐसा नेचर होता है इसका. ओके, सो ये वाले ग्राफ से ये पता चलता है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन. देखना भी ध्यान से, समझ जाओगे तो मजा आएगा. जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज अ स्प्रिंग. अभी ड्रॉ करूंगा. ये है एक स्प्रिंग और ये पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, हम लोगों ने उसको स्ट्रेच नहीं किया हुआ. इन नॉर्मल कंडीशन यहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. देखना भाई ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है. स्प्रिंग इज इन नॉर्मल कंडीशन, x इज इक्वल टू जीरो, फोर्स ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है. x भी जीरो, फोर्स भी जीरो. अब अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूं, ठीक है, इफ आई स्ट्रेच द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच कर देता हूं, ये स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो यहां पे क्या होगा? x बढ़ेगा, ठीक है. x विल इंक्रीज. इस पॉइंट पे जब आएगा, एट दैट टाइम वी कैन से x इज ग्रेटर देन 0, सही है ना. x बड़ा, x इज ग्रेटर देन 0. जब x ग्रेटर देन 0 हो तो फोर्स की डायरेक्शन कहां है ये बताओ. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेफ्ट या राइट? मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? बोलो, लेफ्ट होगा या राइट होगा? Yes, restoring force will be in this direction. You can see it is along negative x direction, सही है ना, वो negative direction में होगा. So ये जो graph, अगर मान लो x जो है, जब x की value बढ़ती जाएगी, at that time force कैसा होगा? वो positive नहीं रहेगा. It will be along negative direction, ठीक है. इसलिए force कैसा हो गया? Negative. So when x is greater than zero, यहाँ से देखो, x is greater than zero, force कैसे किस तरफ लग रहा है? It is acting towards left. So F is negative. तो देखो, x जब ग्रेटर देन जीरो तो ये वाला फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. तो x बढ़ाएंगे तो f बढ़ेगा, बट बढ़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में. सिमिलरली अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं, ठीक है, इफ आई कंप्रेस द स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे, ये नेगेटिव है. स्प्रिंग को अपनी मिड पोजिशन पे पहले ले आते हैं. स्प्रिंग को जब हम लोग कंप्रेस करेंगे लाइक दिस, एट दैट टाइम ये वाले पॉइंट पे क्या होगा? एक्स विल बी
लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव होगा. ये वाली कंडीशन में क्या होगा, देखो एक्स इज लेस देन जीरो. तो इस कंडीशन में फोर्स अभी कहां पे लगेगा, देखो फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग राइट, इस डायरेक्शन में लगेगा. इसका मीनिंग क्या होगा, फोर्स इज पॉजिटिव. तो देखो जब एक्स की वैल्यू, देखो ये वाले रीजन में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा. ये जो थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है, एक्स इज नेगेटिव और फोर्स कैसा है, फोर्स इज पॉजिटिव. ओके, ये वाली कंडीशन में क्या है, एक्स इज पॉजिटिव और फोर्स कैसा है, नेगेटिव. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्स फॉर अ स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग के लिए एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा. इसे एक बार समझ लेते हैं. When we stretch the spring, spring को जब हम लोग stretch करेंगे, at that time x will be positive. अगर x positive हो तो force भी positive, sorry force होगा negative. तो ये वाले region में क्या है, you can write x is positive and f is negative. और यहाँ पे क्या होगा, x is negative, F is positive. Now, if we find out area, ठीक है, अगर मैं area find कर लेता हूं, जैसे मान लो इतने से portion का area find कर लेता हूं, like this. If we find out area of this much portion, यानी हम लोग ये वाला area find कर रहे हैं, ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा एक्स कितना है और एफ कितना है. वी कैन से दिस मच डिस्टेंस इज एक्स, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस है एक्स, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा. ओके, ये डिस्टेंस है एक्स, इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर देते हैं. ये वाला डिस्टेंस है एक्स और ये वाला डिस्टेंस है एफ. This is F. एरिया का फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू, बाकी सब चीजों को भूल जाए, इसको थोड़ा बाजू में कर देते हैं. कुछ हो नहीं रहा, जस्ट अ मिनट. यस, अब थोड़ा क्लियर है. तो इस केस में ये जो येलो वाला एरिया है वो एरिया होगा ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस कितना है एक्स इनटू हाइट है एफ. ठीक है, दिस विल बी द एरिया ऑफ द ग्राफ. और अगर मैं एफ की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, इफ आई कीप द वैल्यू ऑफ एफ, एफ इज इक्वल टू के एक्स, मैग्नीट्यूड रखेंगे बिकॉज ये हम लोगों ने, देखो ये जब एरिया फाइंड करते दैट टाइम वी आर नॉट टेकिंग द नेगेटिव साइन, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेते हम लोग. Because area is length of opposite side upon length of hypotenuse. Length of a vector indicates its magnitude. So, अगर मैं length रख रहा हूँ, तो क्या होगा? Half into x. F की value क्या होती है? In terms of magnitude, we have kx. So, equation क्या बन जाएगा? We'll get equation is equal to half kx square. तो अगर हम लोग area find करेंगे, तो half kx square मिलेगा और उतनी ही energy यहाँ पे store होती है. वो हम लोगों ने integration वाले method से भी derive किया. ओके, तो जल्दी से ये लिखो एंड देन रेज योर हैंड. कुछ डाउट हो तो अभी बता दो. बताया था पहले कि हम लोग यहाँ पे दो ग्राफ देखने वाले, ठीक है, विल सी द ग्राफ ऑफ दिस वन, फोर्स का ग्राफ और एनर्जी का ग्राफ भी देखेंगे. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्राफ ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी का ग्राफ देखते हैं कैसा होगा. तो एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. In any case, the energy is remaining positive. ठीक है, स्प्रिंग के लिए एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी. रेफरेंस से ले तो नेगेटिव हो सकती है, बट ऐसा केस हमारे यहाँ पे है नहीं. तो ग्राफ पॉजिटिव में ही आएगा एनर्जी का. दिस इज एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी. ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी. दिस टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. बता देता हूं फिर से, मैकेनिकल एनर्जी ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज द सम ऑफ टोटल
मैकेनिकल एनर्जी, एम ई यानी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को एड कर दो, वी विल गेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी. यानी इमेजिन ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर तक ले आता हूँ, एट दैट टाइम इसके पास एनर्जी है एम जी एच, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो. जब ये नीचे जाएगा एट दैट टाइम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. क्यों, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी सामने कम हो जाएगी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी एट दिस पॉइंट. जब ये गिरेगा एट दैट टाइम उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, जिससे यहाँ पे खड्डा भी हो सकता है. ओके, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो. और जब ये बॉल गिरेगा एट दैट टाइम ये एनर्जी ट्रांसफर कर देगा अर्थ को, ठीक है, और अर्थ को वो एनर्जी मिल जाएगी. सो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉल विल बिकम जीरो ऑन रीचिंग द ग्राउंड, इफ ग्राउंड इज टेकन एज अ रेफरेंस. ठीक है, इसको अगर मैं रेफरेंस मान लेता हूं तो ऐसा होगा. तो देखो भाई, टोटल एनर्जी, इफ यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करता हूं. पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, पीई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. और स्प्रिंग का जब मोशन होता है वो मोशन कुछ ऐसा होता है, दिस इज अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का मोशन कुछ ऐसा होता है. ये एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन है, इज अ पोजीशन व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो. इज अ पोजिशन वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसे मीन पोजिशन भी बोलते हैं. मैं स्प्रिंग को जब खींचूंगा, मैं स्ट्रेच द स्प्रिंग, तो देखो यहां पे आने के बाद एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती, फिर अंदर जाता है इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और यहां पे वापस जीरो, वापस यहां पे मैक्सिमम जीरो. समझ में आ रहा है, जब ये ऑसिलेट हो रहा है एट दैट टाइम दो पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है. Once again, when the spring is oscillating like this, at that time, at two points the velocity becomes zero. कौन से point पे velocity zero होगी? तो एक तो ये वाले point पे, extreme, ये वाला point, ठीक है, x बोल देते इसे, और जब ये compress होके वापस अंदर जाएगी, at that time also. ये कंप्रेस होके अंदर जाएगी एट दैट टाइम आल्सो, अगेन वी विल हैव सम डिस्टेंस x, बट ये वाला x कैसा होगा, इट विल बी माइनस x. ये वाले पॉइंट पे भी क्या होगा, वेलोसिटी विल बिकम जीरो. तो दो पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एट टू पॉइंट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो. जब ये ऑसिलेट हो रही हो स्प्रिंग, एट दिस टू पॉइंट वेलोसिटी बिकम जीरो, और ये वाले पॉइंट पे जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज वी मैक्सिमम. ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, पहले ऐसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा. वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वापस से बता देते, ये वेलोसिटी ये वाले पॉइंट पे जीरो, मैक्सिमम होते हुए डिक्रीज होते वापस यहाँ पे जीरो. तो इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, प्लस एक्स और माइनस एक्स के बीच में ऐसे ऑसिलेट होती रहती है, और एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है. ओके, तो पहले इस डायग्राम पे ज्यादा फोकस करते हैं, बाद में ग्राफ ड्रॉ करेंगे. Because it is more important than any other thing. Okay. तो चलो ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम, चलो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो मैक्सिमम. ये वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो. ये वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, व्हाई, बिकॉज वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी. अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. पोटेंशियल एनर्जी ये वाले पॉइंट, कौन से पॉइंट पे जीरो होगी ये बताओ, व्हेन विल द पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो. पोटेंशियल एनर्जी जीरो कौन से पॉइंट पे होगी बताओ जल्दी से, एट विच पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी बी जीरो. पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है वो सोचो पहले,
पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन. तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो देखो जब वहां पे एक्स जीरो होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, यहाँ पे एक्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये ड्रॉ करो एंड देन रेज योर हैंड, उससे बाद में आपको ग्राफ बताता हूं. देखो आप लोगों ने जो ड्रॉ किया हुआ है उसको देखना ध्यान से, तो जल्दी समझ में आ जाएगा. दिस इज द एनर्जी एक्सिस, यहां पे मैं ले रहा हूं एक्स. एक्स इज वेरिंग फ्रॉम प्लस एक्स टू माइनस एक्स, यानी ये डिस्टेंस है माइनस एक्स और उतना ही डिस्टेंस उस साइड भी होना चाहिए. ये अगर मान लो है एक्स, उतना ही डिस्टेंस इस तरफ विल बी प्लस एक्स, दिस डिस्टेंस इज प्लस एक्स. ओके, सो व्हेन एक्स इज माइनस एक्स और प्लस एक्स और यहां पे सेंटर पे होगा जीरो, सेंटर पे एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो कौन सी एनर्जी जीरो होती है? विच एनर्जी इज जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो? यस बताओ जल्दी से. पोटेंशियल एनर्जी सही है दिव्या, एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. माइनस एक्स और प्लस एक्स ये वाले पॉइंट पे क्या होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहां तक जाएगी मान लेते हैं, ठीक है, दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पीई का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, उतना ही डिस्टेंस हमको यहां से भी लेना है. इस पॉइंट पे भी जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी? दैट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर एट दिस पॉइंट ऑल्सो. सो हमको ये तीन डॉट्स मिल गए, ठीक है, वी हैव गॉट दिस पॉइंट, दूसरा पॉइंट है सेंटर वाला पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो, और एक ये वाला. अब देखो ये रिलेशन क्या दर्शाता है, हाउ इज द रिलेशन? पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन है. अगर मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा. ठीक है, द ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस. ग्राफ का जो नेचर होगा वो कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस. अभी भी अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाते हैं. इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सिमेट्री नहीं बन रही. आप लोग बना देना, ठीक है, सिमेट्री होनी चाहिए दोनों साइड. तो दिस इज द ग्राफ, और भी होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है, पूरा मिटा देता हूं. फ्री हैंड ड्राइंग में बहुत प्रॉब्लम होता है. चलो चलेगा, अच्छा बनाए. सो दिस इज अ ग्राफ, एक्स इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो. ठीक है, ये जो ग्राफ बना है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है. यहाँ पे ये वाला जहां पे टच करेगा दैट विल बी अवर एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी के साथ टच कर रहे हैं.
x यहाँ पे जहां पे टच करेगा एट दैट टाइम वी आर गेटिंग p इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये येलो लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, पता चले दोनों साइड लिया हुआ है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों पॉइंट पे जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, एट दिस पॉइंट ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। और ये वाले पॉइंट पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, क्योंकि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा होगा, ये अच्छा बन जाए तो मजा आएगा, तो वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा, चलेगा चलो भाई। इज अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है और जो रेड वाला दिख रहा है दिस इज अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो होता है ये स्प्रिंग वाले केस में, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा, ठीक है, दोनों में कन्वर्ट होता रहता है। तो जल्दी से ये ड्रॉ करो एंड देन रेज योर हैंड। Okay, जो मैंने बोला अभी आपको सुनाई दिया था।
म्यूट जो कैसा था, दिस इज सेंटर और सेंटर से एल डिस्टेंस दूर, दिस डिस्टेंस इज एल, एल डिस्टेंस दूर यहां पे एक मास लगा दिया है हम लोगों ने, दिस इज सपोज अ मास, मास को हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं वी ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज पॉइंट सी, ए पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं एंड दैट वेलोसिटी इज वी ए, ओके, वेलोसिटी एट ए कितनी है, इट इज वी ए, एट बी हम लोग लेंगे वी बी, एंड एट सी वेलोसिटी हम लोग लेंगे वी सी। तो ये जो स्फीयर है ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं लाइक दिस, ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा फोर्स दे, इसलिए सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती तो ऐसे नीचे गिर जाता, बट सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही, उसके पास थोड़ी बहुत वेलोसिटी बच जाती है जिसकी वजह से वो पूरा सर्कल खत्म करके इधर आ जाता है, याद आ रहा है, ऐसे सर्कल पे जा रहा था और हमको फाइंड करना है वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी एंड वेलोसिटी एट सी, ये तीनों हमको फाइंड करना है, फाइंड आउट दीज थ्री थिंग्स वी ए वी बी एंड बी सी। लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, जितनी ए पॉइंट पे एनर्जी उतनी ही बी पॉइंट पे एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों, सॉरी बी एंड सी, पहले सी ले लेते हैं, सी पॉइंट पे उतनी ही एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए will be equal to kinetic energy at point C plus potential energy at point C. समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, this is according to law of conservation of mechanical energy, ठीक है, according to law of conservation of mechanical energy total mechanical energy of a system remains constant. अभी हम लोगों ने स्प्रिंग के केस में देखा काइनेटिक एनर्जी अगर स्प्रिंग की बढ़ कम हो जाती है तो सामने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और वो कुछ ऐसे बढ़ता है सो दैट द टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट का ये टोटल और इस पॉइंट का ये टोटल कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, टोटल विल रिमेन सेम। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए मैं लिख रहा हूं हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हाइट है ही नहीं, ठीक है, ये वाली लाइन पे हाइट नहीं है बिल्कुल भी, जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज हाफ एम वी सी स्क्वायर वेयर वी सी इज द वेलोसिटी एट पॉइंट सी, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज एम जी इंटू टू एल, बिकॉज जब ये नीचे से ऊपर जाएगा एट दैट टाइम टोटल हाइट इट विल अचीव विल बी टू एल, ओके, हाइट अचीव बाय द sphere or a ball or an object will be 2L. So, ये सारे M cut हो जाएंगे. We will get, therefore, VA square is equal to VC square plus 4GL. This is the equation of VA. अभी भी VC find करना बाकी है. VC को कैसे find करेंगे? तो VC के लिए लास्ट टाइम मैंने बताया था एट पॉइंट सी, एट सी, सी पॉइंट पे देखो जगह, अब ये स्फीयर ये वाले पॉइंट पे तो जितना फोर्स नीचे लगता है mg उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगता है ना mb स्क्वायर बाय r, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, तो नीचे की तरफ mg तो बाहर की तरफ होता है mb स्क्वायर बाय r, तो एट पॉइंट सी वी कैन से mg इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाय आर की जगह होगा एल, बिकॉज यहाँ पे रेडियस है सर्कल का एल, अगेन एम एम विल गेट कट, वी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, विल गेट वी सी स्क्वायर
इज इक्वल टू जी एल, देयरफॉर वीसी की वैल्यू होगी रूट ऑफ जी एल. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वीसी. ये वीसी फाइंड किया हम लोगों ने, जो फाइंड करना था. एक टारगेट खत्म हुआ हमारा. दूसरा, ये वीसी को मैं इधर रख देता हूं, तो वी ए की वैल्यू क्या होगी? वी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू वीसी स्क्वायर यानी जी एल प्लस फोर जी एल. देयरफॉर वी ए स्क्वायर विल बी फाइव जी एल. देयरफॉर वी ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ फाइव जी एल. इज अवर इक्वेशन नंबर, इक्वेशन का नंबर नहीं दे रहे, ऐसे लिख देता हूं. दिस इज वी ए. ये दूसरा मिशन भी खत्म हो गया, हमको वी ए फाइंड करना था. वी फाउंड आउट टू थिंग्स, अभी फाइंड करेंगे वी बी. उससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, दिस इज 5.6, 5.6 है ये, ठीक है, सॉरी 6.6 है. राइट इट डाउन. सिर्फ हम लोगों ने दो चीजें फाइंड करनी, अभी बहुत सारी चीजें फाइंड करनी बाकी है. VB के लिए फिर से वही रूल लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना. फॉर VB यानी वेलोसिटी एट पॉइंट B के लिए, ये सब अभी भूल जाओ. C वाला पॉइंट, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट B. ये और B कोई कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो दिस इज पॉइंट B. B पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? इट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अगेन वही वाला फॉर्मूला. You can say total energy at point A is equal to total energy at point B. जितनी energy point A पे होगी उतनी energy point B पे भी होगी. तो यहाँ पे C की जगह क्या आ जाएगा? We'll have B. तो kinetic energy plus potential energy at point A is equal to kinetic energy at point B and potential energy also at point B. लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये वही का वही रहेगा. यहां पे चेंज होगा, दिस विल बी एम वी बी स्क्वायर. वी सी स्क्वायर लिखा हुआ था, उसकी जगह क्या हो जाएगा? वी बी स्क्वायर प्लस एम जी. देखो कितनी हाइट तक जाएगा, बी तक अगर जा रहा है स्फीयर, तो ये कितनी हाइट होगी बताएगा भाई? व्हाट विल बी दिस हाइट? ये हाइट कितनी होगी बोलो जल्दी से, हाइट कितनी होगी ए से लेके बी तक? बी कितनी हाइट पे? यस इट इज एल. यहां पे मैं लिखूंगा एल. समझ में आ रहा है ना? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज एम जी एच, यानी एम जी और एच की जगह लिखेंगे एल. ये सारे एम अगेन कट हो जाएंगे पहले की तरह ही, तो क्या मिलेगा? ये सब डिलीट कर दे तो मजा नहीं आएगा ऐसा. Yes. तो आगे ऐसा भी लेगा. देखो वी ए का वैल्यू हमको पता है, वी ए स्क्वायर का वैल्यू इट इज 5GL. अभी फाइंड किया ना हम लोगों ने, 5GL इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई टू, जो हमको फाइंड करना है, प्लस ओनली जी एल. ओके, देयरफॉर ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटू 5GL माइनस GL इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई टू. वी कैन से देयर फॉर 3GL बाय टू इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाय टू. ये सामने 2-2 कट हो जाएंगे. We will get VB is equal to root of 3GL. ये तीसरा मिशन भी खत्म हुआ, VB जो हमको फाइंड करना था. So write down this thing. मैंने जैसा करेक्शन किया वैसा आप लोगों को नहीं करना है भाई, पूरा लिखना पड़ेगा तुम लोगों को. ये तीन चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है हमको, टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट्स, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी.
वो तो बहुत इजी है. देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करनी है एंड एट पॉइंट बी बी पॉइंट पे ऐसा होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर दैट विल गिव हाफ एम वी बी का स्क्वायर यानी 3 जी एल दैट विल गिव 3 बाय 2 जी एम जी एल इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. Similarly, at C, C point पे जो kinetic energy होगी, that will be kinetic energy at C is equal to half m vc square, vc का square करके रखेंगे तो क्या मिलेगा? Only gl, we get 1 by 2 mgl, ये हो गया kinetic energy at point C. A पे भी अगर find करनी हो तो कर सकते हैं, at A, शायद पूछा हुआ है, शायद नहीं पूछा हुआ, find कर ही लेते हैं, kinetic energy at point A कितना होगा? It will be half m va square that will give half m va square की जगह लिखेंगे 5 gl that will give 5 by 2 gl. ये सारी की सारी kinetic energies हम लोगों ने find कर दिया at each point. ठीक है, लिखो जल्दी से, then raise your hand. Mass of the car is 1000 kg and it is moving with a speed of V is equal to 18 km per hour. 18 km per hour, यानी meter per second में convert करें, तो क्या होगा? 18 into 5 by 18, that will give 5 meter per second. On a smooth road and colliding with horizontally mounted spring, जैसे अभी spring मैंने draw करके दिखाई दी. एक ऐसी वाली स्प्रिंग के साथ वो कार आके टकराती है. ठीक है, सो इट कोलाइड्स द स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज गिवन टू बी 6.25 इनटू 10 इज टू 3 न्यूटन पर मीटर. व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग? स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन यानी वो x याद है ना, x इज इक्वल टू 0 then तब displace हो रहा हो, compress कर रहे हो, stretch कर रहे हो, we are saying it is x. तो ये x हमको find करना है, यानी जब car spring के साथ टकराएगी, spring compress हो जाती है, जैसे ये spring है, spring gets compressed by the car, टकराएगी, spring compress हो जाएगी, तो maximum compression कितना होगा, ये हमको find करना है. तो ये वाले केस में देखो, we can say that spring का जो compression हो रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेशन करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? हु इज गिविंग एनर्जी टू कंप्रेस द स्प्रिंग? आप लोग ही बताओ, हु इज गिविंग एनर्जी टू कंप्रेस द स्प्रिंग? वो अपने आप तो कंप्रेस हो नहीं रही, कोई तो एनर्जी दे रहा है उसको, कौन दे रहा है? बोलो, जब कार स्प्रिंग के साथ टकराएगी, स्प्रिंग विल कॉम्प्रेस, तो स्प्रिंग को दबाने के लिए एनर्जी किसने दी? यस, कार ने दी, सही है दिव्या एंड वनीषा, करेक्ट आंसर है. कार ने एनर्जी दी किसको? स्प्रिंग को. चलो, कार के पास कौन सी एनर्जी थी? न्यूक्लियर एनर्जी थी, हीट एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी या काइनेटिक एनर्जी थी? कार के पास ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उसने स्प्रिंग को दे दी? यस मुस्कान, सही है दिव्या, सही है, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, कार के व्हेन द कार इज रनिंग इट इज हैविंग सम वेलोसिटी एट दैट टाइम वी कैन सी इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार किसमें कन्वर्ट हो रही है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, समझ में आ रहा है? जो काइनेटिक एनर्जी कार के पास थी एट द टाइम ऑफ कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसको मिल गई? स्प्रिंग को, बिकॉज यहाँ पे हमको मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है. मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब स्प्रिंग मैक्सिमम वो कंप्रेशन तक जाए, एट दैट टाइम कार की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी जीरो. जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार जो भी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में. तो ये इक्वेशन कैसे इक्वेट कर सकते हैं? लाइक दिस. तो चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार लिख रहा हूँ. Therefore, half mv square is equal to kinetic potential energy of spring, यानी half kx square. इसमें ये half half cut हो जाएगा. Find क्या करना है हमको? x compression ही find करना है ना. Compression is x. So we will say, we can say x square is equal to mv square by k. Therefore, x की वैल्यू हो जाएगी v रूट ऑफ m by k. Therefore, x की वैल्यू हो जाएगी v यानी phi रूट ऑफ m यानी 1000 by k यानी कितना दिया हुआ है? 6.25 into 10^3. Okay, ये 10^3 कट हो जाएगा इसके साथ. We will get x is equal to root of, ये phi तो बाहर है ही, 100/625. रूट ले ले, 100 का रूट होता है 10, तो phi into 10, 625 का रूट कितना होता है? 25. तो आंसर हो जाएगा 2 meter. तो स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन 2 meter होगा. कुछ डाउट हो तो अभी बता दो.